भाई जनरल में चढ़ने वालों का भीड़ देख सकते हो भाई, देख रहा कंबल बोरा लेके लो, 20 रुपए का पानी सिल्की आ जाएगा। मटर पनीर का सब्जी जो काफी बढ़िया मतलब मसाला वगैरह। तो भाई ये रहा अपना पिज्जा, देखने में तो भाई काफी आलू का भुजिया दिया गया भाई मतलब। तो भैया रेलवे स्टेशन पे ऑटो भाई, देखो वो जो मतलब भाई चढ़ने के लिए इतना चढ़ने में भाई इतना मतलब जल्द, और भाई लोग चढ़ने वाले इतना जल्दबाजी कर रहे हैं, अपना चप्पल उपल यहीं पे फेंक के अंदर घुसने का भाई ट्राई कर रहे हैं क्योंकि उनको घर जाना जरूरी है जान जोखिम में डाल के। तो ये हाल है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। तो भाई जनरल में चढ़ने वालों का भीड़ देख सकते हो मतलब, ट्रेन अभी जस्ट रुकी है, चढ़ने वालों का भीड़ देख सकते हो दोनों तरफ, मतलब अफरा तफरी का माहौल है भाई, देख रहे हो ना इस तरफ भी देख लो, देख रहे हो कंबल बोरा लेके लोग जा रहे हैं जनरल में, बताइए बैठे तक का जगह नहीं होता, जहाँ पे एक आदमी दो दो तीन तीन सामान लेके कैरी कर रहा है वो भी बोरा, देख रहे हो ना सामने की तरफ, इस साइड भी देख लीजिए मतलब पूरा ब्लैंकेट वगैरह है ना, एक आदमी भाई तीन तीन चार चार ब्लैंकेट लेके कैरी कर रहा है, बताइए ऐसे में कैसे चलेगा, इतना फॉल हो चुका है लेडीज वगैरह कोई भी नहीं चढ़ पा रही यहाँ पे, देख रहे अभी एक लेडीज गिरते गिरते बची यहाँ पे। देखिए प्रभु क्या बोले थे, एक लोग तीन तीन चार चार बोरा लेके घुस रहे अंदर, इसे मैं काम कैसे चली। नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया ही रहना। आज हम यात्रा करने वाले ट्रेन नंबर 12394 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, जिसको हम लोग प्यार से आम जनता की राजधानी भी कहते हैं। वैसे वैश्विक टाइमिंग शेड्यूल की बात कर लो तो ये ट्रेन रोजाना शाम 5:30 पर निकलती है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1600, ठीक अगले दिन आपको सुबह 7:15 पर राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सो तो हम लोग 1001 किलोमीटर दूरी तय करने वाले हैं 4 होल्ड के साथ तकरीबन 13:45 पे, और अपने आपकी जर्नी होने वाली सेकेंड एसी में। भाई हम तो सेकंड एसी में जर्नी नहीं कर रहे, लेकिन भाई आ रहे से मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है ना ट्रेन का, नो वेटिंग भी क्लियर नहीं हो पाया भाई सेकंड एसी में। चलते कोच के अंदर कंडीशन दिखा दे कोच का कैसा है। सो गाइस तो ये रही अपनी कोच A1, तो चलते कोच के अंदर कंडीशन दिखाते संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का सेकंड एसी का कोच कैसा है। वैसे संपूर्ण क्रांति का फर्स्ट इंप्रेशन देखे तो काफी बढ़िया लग रहा है। ये रहा अपना सीट 47 साइड लोअर, और आज हम लोग जर्नी करने वाले भाई आरएसी सीट में। मेरा एक बैग वहाँ है और एक बैग को जो हमने नीचे लॉक कर दिया। तो भाई अभी से अपने पास बहुत ज्यादा ही सफिशिएंट टाइम था, हमने भी सोचा क्यों ना आपको संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का लोकोमोटिव दिखा दिया जाए, कौन से लोकोमोटिव के साथ चलती है। तो इटारसी सेट का WAP7 लोकोमोटिव के साथ चलती है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और सामने देख रहे हो लगेज कम, ब्रेक वैन है, इतना ज्यादा लोग बैठे ना भाई क्या ही बताएं आपको, मतलब आपको पास से जाकर दिखाते हैं, और इसमें का जनरल कोच भी दिखाएंगे आपको कैसा है। लगेज कम, ब्रेक वैन, दिव्यांग लोगों वाला में भी है ना काफी ज्यादा भीड़ है, मतलब लोग फुसम फुसाई चल रहे हैं, और यहाँ पे पानी भी इसका सेल किया जा रहा है, देख रहे हो मतलब यहाँ भी मतलब इस ट्रेन में भी है ना धांधली अभी से चल रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकली भी नहीं है, 20 रुपए का पानी सेल किया जा रहा है। निर्धारित समय से ऑन टाइम अब ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, तो चलिए आप डिपार्चर एंजॉय कीजिए। तो भाई 210 किलोमीटर तय करने के बाद अब ट्रेन आ चुका है टुंडला रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर ट्रेन कोई ऑफिशियली हॉल्ट है नहीं, लेकिन भाई सिग्नल नहीं मिलने की वजह से अब ट्रेन यहाँ पे आकर रुक चुकी है। थोड़ी देर पहले भैया आए थे रात का डिनर का ऑर्डर लेने के लिए, तो हमने जो है एक वेज थाली ऑर्डर कर दिया जिसका प्राइस भैया 120 रुपये बता रहे थे, तो भाई हमने भी ऑर्डर कर दिया। जैसा होगा फिर मैं आपको वैसा अपडेट करूंगा, साथ ही में खाना कैसा रहता है, टेस्ट कैसा रहता है, आपको हर चीज़ अपडेट करने वाले। वैसे मेरा जो सीट था वो आरएसी में था, तो टीटी सर ने जो है मेरा सीट अलॉट कर दिया मतलब अपर बर्थ पे। भाई काफ़ी मज़ा आ गया, मतलब हम तो सोच ही रहे थे भाई मतलब आरएसी में जर्नी कैसे करेंगे, लेकिन फाइनली मेरा सीट कंफर्म हो चुका है, तो भाई मज़ा आ गया। वैसे टुंडला जंक्शन पे आपको खाने पीने का फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे हो सामने स्टॉल वगैरह है, आगे की साइड में स्टॉल काफ़ी देखने को मिल जाएगा टुंडला जंक्शन पे। वाह
भाई अभी जो रात के बज रहे हैं 9:10 और अभी से हम लोग को सर्व कर दिया रात का डिनर। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग को रात के डिनर में क्या क्या सर्व किया गया संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के सेकंड एसी में। वैसे ये जो खाना है ना बिल्कुल गर्मा गर्म बन के आप एंट्री कार्ड से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी जो हमने खाने को कराया अनबॉक्सिंग, और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जीरा राइस दिया गया, एक पिकल्स दिया गया, और ये रहा मटर पनीर का सब्जी। देखने में तो भाई काफी टेम्पटिंग लग रहा है। और ये रहा दाल, दाल का थिकनेस भी देख रहे हो ना काफी बढ़िया गया है। और तीन चपाती दिया गया हम लोग को, दही की जगह मीठे में एक सोन केक दिया गया। एक चीज स्पेशल देख के लग रहा है, और एक चीज देख सकते हो काफी स्पेशल स्टेट में आलू का भुजिया दिया गया भाई। मतलब ये मुझे भाई काफी यूनिक लगा। ऐसा करते हैं खाना टेस्ट करते हैं, टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। तो भाई एक चीज मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा, हम लोग का खाना सर्व किया गया ट्रे में और आलू का भुजिया। मतलब हम लोग को भाई पेंट्री कार वाले जो है ना पहचान लिए हम कौन है। मतलब अन्य कस्टमर को जो है ना ये आलू का भुजिया नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमें आलू का भुजिया दिया, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट वो हमें दे रहे हैं। वैसे सबसे पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं मटर पनीर का सब्जी कैसा है। मटर पनीर का सब्जी जो काफ़ी बढ़िया, मतलब मसाला वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कुक किया गया, नमक वगैरह भी बिल्कुल बराबर है। आप टेस्ट कर लेते हैं दाल कैसा है भाई। दाल भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है भाई, लेकिन दाल में जो है ना मिर्च का मात्रा हल्का सा ज्यादा दिया गया, लेकिन बढ़िया। और ये रहा आलू का भुजिया। आलू का भुजिया भी काफी बढ़िया है। वैसे चावल को क्या ही ट्राई करें, मतलब जो भी खाना हम लोग का सर्व किया गया बिल्कुल गर्मा गर्म किया गया, जो कि भाई क्योंकि जो भी खाना हम लोग का सर्व किया गया बिल्कुल गर्मा गर्म है, क्योंकि भाई जो भी खाना बनाया ना पेंट्री कार में बनाया। ऐसा करते हैं खाना फटाफट कंप्लीट करते हैं, लास्ट में और अच्छे से आपको रिव्यू देते हैं कानपुर जंक्शन कानपुर सेंट्रल पे। निर्धारित समय से 45 मिनट डिले के साथ अपनी पहला हॉल्ट आ चुका है कानपुर सेंट्रल, जिसके सीएनपी और यहाँ पर 8 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अब बात करें रात की डिनर की टेस्ट की, तो भाई वो काफ़ी लाजवाब था। मतलब हमने इससे बेहतरीन खाना भाई किसी भी आज तक सुपर फास्ट मेन एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं खाया भाई। मतलब पनीर की सब्जी वो काफ़ी बढ़िया थी, चावल की बात कर ले वो बिल्कुल गर्मा गर्म था, दाल भी भाई काफ़ी लाजवाब था। क्या बताएं आपको, दही की जगह हम लोग को मीठे में सोन पापड़ी दिया गया था बिकेलों का, और साथ ही में भाई आलू का भुजिया भी दिया गया था। मतलब आलू का जो भुजिया था ना भाई वो अलग से दिया गया था हम लोग को। और मैं इसकी कॉस्टिंग की बात कर लो, ये सारा खाना पड़ा ना मुझे मात्र 80 रुपये का पड़ा है। हमने इसका बिल भी लिया है, आपको बिल भी दिखाते हैं। वैसे अगर आप किसी में जर्नी करते हो, अगर आप बिल डिमांड करो तो आपको बिल भी मिल जाएगा। और खाने का भैया जो है ना पेंट्री वाले तो हमें पहचान के हम कौन है, इसलिए भाई हमें 80 रुपये का हिसाब से थाली लगाया, लेकिन हमारे दो पैसेंजर वगैरह है ना उन सभी को 120 की थाली दी जा रही है। अगर आप बिल मांगते हो भाई आपको सही पैसे लगने वाला, अगर बिल नहीं मांगते हो भाई तो भैया 120 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे संपूर्ण क्रांति में। वैसे जहाँ तक अभी तक 7 रुपये की बात करें वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन किया है भाई। इस ट्रेन में नॉर्थ साइड में ठंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब साथ ही में फॉग भी है, इसी वजह से भाई अपनी ट्रेन जो है ना थोड़ी सी डिले हो गए। सामने लगे पुष्पक एक्सप्रेस जो कि CSMT मुंबई के बीच में चलती है, इस ट्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और जनरल कोच है ना इसका इतना ज़्यादा पैक था ना भाई आपने अरावल के वक्त में देखा ही होगा। ये अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और सामने ओबीसी भैया देखिए ट्रेन से जो भी कचरा उतरा ना स्टेशन पे इसको लाकर रख दिया, मतलब ट्रेन से बाहर नहीं फेंका गया। मतलब ये सर्विस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब जो भी गंदगी है ट्रेन से निकालिए स्टेशन पे डाल दीजिए, मतलब जो भी स्टेशन कर्मचारी है साफ सफाई करने वाला वो लेके जाएगा। ये सर्विस भैया आपका काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब जो भी गंदगी था आपने बाहर नहीं फेंके बाहर की साइड रखा, ये मुझे देख के काफ़ी बढ़िया लगा आपका। वेलकम, कहाँ से हैं वैसे आप? पटना से ही हैं भैया। का सर्विस देख के भाई मेरा दिल, भैया ने मेरा दिल जीत लिया, मतलब इतना अच्छा काम किया। मतलब बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो मतलब बाहर की साइड में फेंक देते हैं कचरा वगैरह, लेकिन ये स्टेशन पे ला के रख दिया, बढ़िया भैया थैंक यू। तो भाई ये रहा अपना बिल, जो हमने वेज मिल खाया ना 80 रुपये का, देख सकते हो वेज मिल ऊपर की साइड में देख सकते हो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, देख रहे हो ना बिल नंबर इनवॉइस नंबर हर चीज़ अलग है। मतलब अगर आप बिल डिमांड करते हो तो भाई आपको बिल भी दिया जाएगा और खाना भी आपको 80 रुपये में ही दिया जाएगा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। वैसे अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो तो भाई रात के वक्त में आपको मिल जाएगा वेज थाली, अंडा थाली, चिकन थाली, इसके अलावा आपको कोई भी आइटम नहीं मिलने वाला, साथ ही में दही रबड़ी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ तो वेज थाली आपको 120 रुपये में दिया जाएगा इस
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में चिकन थाली 130 रुपए का, अंडा थाली 150 रुपए का दिया जाएगा। मतलब हर थाली पे है ना, वेज थाली अंडा थाली पे 40-40 एक्स्ट्रा और चिकन थाली पे 20 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा। अगर वही बिल का डिमांड करोगे तो भाई रेट तो आपको पता है कितने रुपए का आता है। रेलवे का 80 रुपए का वेज थाली, 90 रुपए का अंडा थाली और 130 रुपए का चिकन थाली। तो भैया रेलवे स्टेशन पे ऑटो, वाह भैया प्लेटफॉर्म पे ऑटो ले आए आप। भाई हमने पहली बार देखा है रेलवे स्टेशन पे ऑटो, देख रहे हो ना धक्के मार के भैया लोग लेके जा रहे हैं ऑटो को। तो भाई अभी बात ऐसा, मतलब प्लेटफॉर्म में यू टहल रहे थे और ए टू जो कोच है ना आगे वाला, उसमें भाई 31 नंबर सीट पे जो भी बंदा था भाई वो पिज्ज़ा ऑर्डर करा और उसने पिज्ज़ा भाई कैंसिल कर दिया। मतलब डिलीवरी बॉय परेशान भाई, उस करे तो मेरे क्या, मतलब ये पिज्ज़ा तकरीबन 400 रुपये का था भाई, कैंसिल होने में भाई मतलब क्या ही किया जा सकता। उसने मुझे ऑफर दिया भैया ये पिज़्ज़ा 50% ऑफ पे ले लो, तो भाई हमने जो है उससे ले लिया भाई, हमने रात का डिनर भी कर लिया। मतलब पिज़्ज़ा मुझे हालांकि भी ये जो पिज़्ज़ा है ना बिल्कुल गर्मा गर्म, इसलिए भाई हमने भी सोचा क्यों ना ले लिया जा रहा है। रात का तकरीबन अभी 11 बज रहा है, ठंड के मौसम में पिज़्ज़ा खाने का अलग ही मज़ा है। अब इनका हो चुका डिपार्चर, चलिए आपको दिखाते हैं डिपार्चर। तो भाई ये रहा अपना पिज्जा, देखने में तो भाई काफी टेम्पटिंग लग रहा है। टेस्ट करते हैं फिर भाई पिज्जा का, टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। वैसे ये जो पिज्जा है ना काफी गर्मा गर्म है भाई, अनएक्सपेक्टेड पिज्जा खाने को मिल गया मतलब ट्रेन में। तो भाई अभी जो रात का बज रहा है 11:45 और अभी से सोने का वक्त हो चुका है, क्योंकि भाई रात भी जो है ना काफी ज्यादा हो चुकी है और अपने कानपुर से डिपार्ट लेने के बाद है ना भाई इधर की खराब है, ठंड पड़ रही है भाई। मतलब चलते सोने के लिए, जा भी नहीं इसको लेके, अर्ली मॉर्निंग आपसे मुलाकात करते हैं, तो गुड नाइट।